हंगामा, पथराव, लाठी चार्ज, ये नजारा है सीएम योगी के शहर गोरखपुर का। दरअसल नौसड़ गांव में कच्ची शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके चलते गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही गोरखपुर लखनऊ मार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इस दौरान पुलिस ने इस महिला मरीज को भी नहीं बख्शा। ये महिला पास के अस्पताल में दवा लेने जा रही थी, लेकिन पुलिस की इस लाठी चार्ज से अब इस महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं एसपी सिटी विनय कुमार ने फिलहाल आश्वासन देकर लोगों के प्रदर्शन पर लगाम लगा दी है। क्योंकि पुलिस यहाँ पे शराब बनती है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है शराबबंदी कराने के लिए, और उनकी गिरफ्तारी चले जो लोग शराब बनाते हैं, तो उन लोगों ने पुलिस के खिलाफ उनका आक्रोश इस रूप में प्रकट हुआ, उन लोगों ने यहाँ जाम लगाया था। मामले को लेकर एक सवाल उठता है कि जब सीएम योगी का शहर ही शराब माफियाओं के गिरफ्त में है, तो ऐसे में भला दूसरे जिले शराब माफियाओं से कैसे मुक्त होंगे। न्यूज़ के लिए गोरखपुर से मनोज कुमार की रिपोर्ट।